बिहार चुनाव के बाद से भले ही एग्जिट पोल महागठबंधन की जीत की भविष्यवाणी कर चुके थे, लेकिन तनिक भी निराश नहीं दिख रहे थे भाजपा या एनडीए समर्थक। देख और उत्साही दिखा भाजपा खेमा। हालांकि बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी आरजेडी, लेकिन अंततः एनडीए ने फिर एक बार बिहार में अपना परचम लहरा ही दिया। निर्वाचन आयोग द्वारा जीत की घोषणा करने के बाद अति उत्साहित दिखे बंगाल भाजपा के कार्यकर्ता गण भी। कहीं अबीर खेले गए तो कहीं लोगों ने मिठाइयां बांटी। उधर देर रात एक हरफन मौला कार्यकर्ता तथा श्रमिक नेता राकेश सिंह रास्ते पर ढोल ताशे के साथ विजय मिचिल भी निकाले। सभी दोस्त मेरे फेसबुक में सभी चाहने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता गण सभी को अपने बंगाल वासियों की तरफ से ढेर सारी बधाई धन्यवाद। किस तरीके से बिहार में चुनाव के दौरान जो हम लोगों को खुशी मिली है। लेकिन हद तो तब हो गई जब वे सीधे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ही मिठाई खिलाने के लिए कालीघाट रवाना हो गए। आगे देखिए फिर क्या हुआ। ममता बनर्जी का क्षेत्र है, वहाँ पर हम लोग गाजा बाजा मिठाई झंडा। मुख्यमंत्री का घर मेरे घर से 1 किलोमीटर का दूरी पे है, तो हम लोग सब कार्यकर्ता हाथ में मिठाई लेकर मुख्यमंत्री को देने जा रहे हैं, प्रशासन को देने जा रहे हैं कि जिस तरीके से ये खुशी बिहार में आपने देखा है, उसी तरीके से 2021 में आप लोग बंगाल में भी देखिएगा। तो इसलिए पहले माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हम लोग यहाँ पर सब कार्यकर्ता मिलकर मिठाई खिलाने का हम लोग वचन लिए हैं कि किसी भी तरीके से ममता बनर्जी के घर कालीघाट हरीश चटर्जी लेन में जाकर हम लोग पहले मिठाई खिलाएंगे। सब जिस तरीके से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, सभी जगह हम लोग भारतीय जनता पार्टी मोदी है तो मुमकिन है, इस बात को हम लोग साबित किए हैं। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विश्वास, सबका विश्वास को लेकर, सबका विश्वास को लेकर हम लोग माननीय मुख्यमंत्री को मिठाई खिलाएंगे। आज हम लोग की सर जमीन पर अब एक ही नारा छा। लड्डू खिलाने जा रहे हैं, दीदी को मिठाई हम लोग खिलाएंगे। दीदी को
ज्यादा मालूम बात करके बात कर उन्हें जीते खुशी तो बड़ा बड़ा माने सीएम पुत्र पारला দিদি आज कोई ऐसा ये नहीं है, हम लोग खुशी से देना चाहते हैं। अरे फिर हम तो पीछे पीछे जाना पड़ेगा। মিঠাই হ্যান্ড ওভার করিয়ে স্যার কো প্যাকেটটা আপ ভিডিও করকে উসকো দে দিজিয়ে কি আপকো তো পড়া যায় মানে নিন তো জিতনা রিকোয়েস্ট ওয়াটগঞ্জ কা রাখতে হ্যায় হাম লোগ কা কোই রিকোয়েস্ট নেই রাখতে নেই নেই রাখে আজা हमारे सभी दोस्तों और साथियों, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता न्यू वालीपुर के थाना प्रभारी के आश्वासन के ऊपर जो उन्होंने आश्वासन दिया है कि जिस तरीके से बिहार में हम लोग का जीत हुआ था और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री के घर यहां से 200 मीटर का दूरी पे उनका घर है, हम लोग चाहे थे कि एक सौजन्य के मुताबिक दीदी को मिठाई खिलाएंगे, हम लोगों को और मत मारिए, 2021 में मिठाई खा के विदाई करिए अपना। तो प्रशासन बोल रहा है कि ऐसे नहीं है, अपॉइंटमेंट करके आप लोग जाइए। तो प्रशासन के खिलाफ हम लोग नहीं जाएंगे, प्रशासन को एक बक्सा मिठाई हम लोग दे दिए कि दीदी तक कम से कम हम लोगों का मिठाई बिहार यूपी गुजरात मध्य प्रदेश जहां जहां हम लोगों का प्रार्थी भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पे जीते हैं उनकी खुशी पे लड्डू खाकर मुंह मीठा करिए, यही हम लोग कार्यकर्ता का एक आवेदन था। मोदी है तो मुमकिन है। চব্বিশ ঘন্টার লাইভে সকল দর্শককে শুভ দীপাবলি এবং ছট পূজা আমার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই। আপনারা সকলে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে আনন্দ উপভোগ করুন, অবশ্যই আপনারা মাস্ক ব্যবহার করবেন, স্যানিটাইজার ব্যবহার করবেন, আপনারা সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। চব্বিশ ঘন্টা লাইভের সকল দর্শককে সামনে দীপাবলি এবং ছট পূজার আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন, সকলে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং আনন্দ। আসন্ন দীপাবলি ও ছট পুজো উপলক্ষে চব্বিশ ঘন্টা লাইভের সকল দর্শক বৃন্দকে জানাই প্রীতি ও শুভেচ্ছা। সবাই সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন ও আনন্দ উপভোগ করবেন।